मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने का फैसला कर लिया है। 1 फरवरी से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग में किसे मिलेगा आरक्षण? 1 आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को लाभ मिल पाएगा। 2 सालाना आय 8 लाख रुपए से कम, 3 खेती योग्य जमीन 5 हेक्टेयर से कम हो, 4 आवासीय घर 1000 स्क्वायर फुट से कम, 5 नगरपालिका द्वारा नोटिफाइड आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम, 6 नगरपालिका एरिया में नॉन नोटिफाइड आवासीय प्लॉट 209 यार्ड से कम होनी चाहिए। यह नियम उन सभी नौकरियों पर लागू होगा जिसकी अधिसूचना 1 फरवरी के बाद जारी होगी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। कार्मिक विभाग की तरफ जारी ज्ञापन के मुताबिक आवेदनकर्ता की फैमिली में मतलब उनके माता पिता और 18 साल से छोटे भाई बहन शामिल हैं। इन सभी की इनकम मिलाकर 8 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। सहयोगी वेबसाइट जीबिज के मुताबिक इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे। आरक्षण का लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जो आय प्रमाण पत्र जमा करेंगे। सरकार ने इसके लिए सालाना आय 8 लाख रुपए तय की है। इसके अलावा सवर्ण आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड होना जरूरी है। हालांकि अभी तक सामान्य वर्ग के प्रतियोगियों को कहीं भी जाति प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होती। आरक्षण के लाभ के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर हैं।